30 अप्रैल को आतंकियों ने कायराना हमला करके 5 जवानों को शहीद कर दिया। ये हमला पुंछ जिले में किया गया, लेकिन आतंकी शायद भूल गए कि अब भारत की सरकार बदल चुकी है। अब यहाँ एक शहीद के बदले 6 आतंकवादियों को ढेर किया जाता है। सेना पर हमला कर उस वक्त तो आतंकी फरार हो गए थे, लेकिन ज्यादा दिनों तक वो भाग नहीं पाए। उनका भागना मुश्किल था। सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया और उस ऑपरेशन के तहत 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। कैसे इन आतंकियों को ढेर किया गया और कैसे NIA ने तगड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है कश्मीर में, आज इन दोनों खबरों पर बात करेंगे। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पहले आपको बताता हूं 2 मई की खबर, उस दिन क्या हुआ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माचल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास 2 आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने 3 मई को इस बात की पुष्टि की, सेना की तरफ से बताया गया। LOC के पार मचल सेक्टर की एक और आतंकवादी लॉन्च पैड से संभावित घुसपैठ की SSP कुपवाड़ा की ओर से प्रदान की गई विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर सैनिकों को 1 मई को हाई अलर्ट पर रखा गया था। इस उबड़ खाबड़ और अत्यंत कठिन क्षेत्र में एक अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड एंटी इंट्रक्शन ग्रिड लगाया गया था। भारतीय सेना और SOG कुपवाड़ा सहित कई अतिरिक्त हमले घुसपैठ के संभावित मार्गों के साथ किए गए थे। 3 मई को करीब लगभग 8:30 बजे सैनिकों ने नियंत्रण रेखा के हमारी तरफ से घुसपैठ करते हुए आतंकवादियों को देखा। 2 आतंकवादियों के खात्मे के चलते गोलाबारी की गई। सेना ने कहा कि 2 आतंकवादियों के शव बरामद किए गए हैं, साथ ही 2 AK सीरीज की राइफलें, मैगजीन और भारी मात्रा में युद्ध जैसी सामग्री बरामद की गई। क्षेत्र की ओर व्यापक खोज प्रगति पर है। सेना ने बताया कि सुरक्षा बल क्षेत्र की शांति और सद्भाव को बाधित करने के लिए हमारे विरोधियों की ओर से समर्थित शत्रुतापूर्ण तत्वों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए डटे हुए हैं। अब सुनिए 4 मई की खबर, 4 मई को क्या हुआ। इस खबर में बताया गया कि यहाँ भी 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। ये खबर बारामूला से थी। सेना ने 2 आतंकियों को एनकाउंटर में यहाँ ढेर किया था। आतंकियों के पास से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। दोनों आतंकी शोपिया जिले के रहने वाले थे। खबरों के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि वानीगाम इलाके में आतंकियों की हलचल देखी गई है, जिस पर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना जब मौके पर पहुंची तो आतंकियों ने सेना पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सेना ने भी फायरिंग शुरू की। दोनों तरफ से घंटों तक मुठभेड़ चलती रही, जिसमें दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। आतंकियों के पास से AK-47 भी मिली। इसके बाद सेना ने पूरे इलाके में सर्च अभियान शुरू किया। एक पूरे इलाके को छान दिया गया। इसी महीने में अब तक सेना 4 आतंकियों को ढेर कर चुकी है। अब आपको बताता हूं कश्मीर में NIA के ताबड़तोड़ एक्शन के बारे में। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये कार्रवाई कैडर और ओवरग्राउंड वर्कर्स की रची गई आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, आपराधिक साजिश का पता लगाने के लिए की गई थी। इस मामले में NIA ने पिछले साल भी केस दर्ज किया था। NIA की टीमें एक साथ जम्मू कश्मीर में 12 ठिकानों पर पहुंची थी। छापेमारी घाटी के अवंतीपोरा, पुलवामा, अनंतनाग और श्रीनगर जिले में और साथ ही जम्मू संभाग के पुंछ और जम्मू जिलों में की गई थी। वहीं NIA की छापेमारी को पुंछ में जवानों पर हुए हमले को लेकर कार्रवाई होना बताया गया है। फिलहाल NIA की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। टीमें कई ऐसे आतंकवादियों के घर भी पहुंची जो सेना की कार्रवाई में मारे जा चुके हैं। इससे पहले भी इन मारे जा चुके आतंकियों पर सरकार की कार्रवाई हुई थी। इनकी एक लिस्ट तैयार की गई थी इनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए। जो आतंकवाद की राह को छोड़ चुके थे उन आतंकियों की भी एक लिस्ट बनाई जा रही है। पिछले साल भी NIA की यहाँ छापेमारी हुई थी। कई ठिकानों पर तलाशी अभियान भी चलाया गया था। NIA को यहाँ जानकारी मिली थी कि यहाँ कश्मीर को दहलाने के लिए पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। इस मामले में सामने आया कि घाटी में साइबर स्पेस का इस्तेमाल कर आतंकवादी हमले, अल्पसंख्यक सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी खबरें पिछले दिनों भी कई सामने आई थी, जब हमने देखा कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी कश्मीर में की जाती है। पिछले साल भी कई डिजिटल उपकरण, सिम कार्ड और कई डिजिटल स्टोरेज डिवाइस जब्त किए गए थे। इससे पहले पिछले अप्रैल महीने में के आखिर में सेना ने उस परिवार को भी पकड़ा था, जिस परिवार ने पुंछ हमले के हमलावरों को
पनाह दी थी। इनके पनाहगारों में एक पूरा परिवार शामिल था। डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह जानकारी खुद साझा की थी। उन्होंने बताया था कि इन 6 आतंकियों की पूरी प्लानिंग के साथ हथियार, गोला बारूद और पैसे से आतंकियों की इस परिवार ने मदद की थी। डीजीपी की बात को अगर माना जाए तो 20 अप्रैल को जब पुंछ के तोता गली में सेना के एक ट्रक को घात लगाकर हमला किया गया, उसके बाद 221 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से करीब आधा दर्जन लोगों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पुंछ हमले के मामले में 6 आरोपियों की पहचान की थी, जिनमें से निशार अहमद, फरीद अहमद और मुश्ताक अहमद ने मेंडर सब डिवीजन में होने की बात कबूल की थी। निशार अहमद और उसके परिवार ने आतंकियों की हर वो मदद की थी जो की जा सकती थी। हमले से पहले आतंकियों को अपने घर में पनाह दी, पूरा रोड मैप तैयार करवाया, इनके लिए रेकी की, लेकिन ये खुद सुरक्षा बलों से नहीं बच पाए। जब ये घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया गया है, तब से देश में बैठे गद्दार सीधा हमला तो नहीं करते, अब ये पत्थरबाजी नहीं करते, ना अब ये सेना से सीधा मुकाबला करने की हिमाकत करते हैं, अब ये स्लीपर सेल्स बनकर काम करते हैं, अब ये पाकिस्तानी आतंकियों की चोरी छिपे मदद करते हैं, उन्हें कश्मीर में एंट्री दिलवाते हैं और फिर उन्हें शरण देने का काम करते हैं। गोला बारूद इधर से उधर लाने में मदद की जाती है। ये आम लोगों की तरह जीते हैं, इसलिए इन्हें पकड़ना थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर ये स्लीपर सेल सोचते हैं कि ये ऐसे घिनौने कामों को अंजाम देते रहेंगे तो वो इनकी सबसे बड़ी भूल होगी। फिलहाल कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और कोई भी आतंकी या उनका पनाहगार कश्मीर में बच नहीं पाएगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। एरिया में जहाँ जो ऑपरेशन हुआ, पहले तो लोकेशन ट्रैकिंग करना और उसको अच्छे से समझने के बाद उस एरिया को चूज करना, जहाँ पर गाड़ी की स्पीड लगभग 0 के करीब आ जाएगी, डाउनहिल है बिल्कुल, उसका एकदम शार्प टर्न है, यहाँ पर गाड़ी है और आपको आड़ लेने की जगह है, उसी आड़ के तहत टेरिस्ट रोड के करीब आकर के उन्होंने अम्बुश लगाया। अम्बुश लगाने के बाद जो फायरिंग हुई, नुकसान जख्मी हुए, उसी वक्त उन्होंने फिर गाड़ी को भी आईडी लगा करके गाड़ी को आग लगाई और गाड़ी को ब्लास्ट किया। इस तरह की जो पूरी कार्रवाई है वो बड़ी अच्छी, एक रैकी के बाद एरिया रैकी के बाद जगह की सिलेक्शन हुई है। की जो इन्वॉल्वमेंट है, कम से कम हम लोग ये सोचते हैं कि 3 लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, 3 से 5 लोग की इन्वॉल्वमेंट इसमें लगती है। लोकल सपोर्ट के बगैर इस तरह की कार्रवाई जो है उसको अंजाम नहीं दिया जा सकता। अभी भी इस में जो हमने पकड़ा एक मॉड्यूल पूरा जो इन्वॉल्व है, उनको पिछले 2-3 महीने से मुकम्मल सपोर्ट दे रहा है निसार और उसका फैमिली, जो परिवार के लोग जो राशन पानी हर तरह की सुविधा इनके लिए फराहम कर रहे थे, इनको प्रोवाइड कर रहे थे। इनका जो पाकिस्तान से सामान ड्रोन के जरिए से आया था वो भी उठा के लाया और इनको मुहैया किया गया और इनको दिया गया। उसमें कैश भी शामिल था, उसमें असला डोनेशन भी शामिल था, बाकी चीज़ें भी इनकी यूनिट की शामिल थी, ग्रेनेड भी शामिल थे। तो ऐसी जो लोकल सपोर्ट है उसकी निशानदेही हम लोग कर रहे हैं।